सो वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। और गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, क्योंकि आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक नॉर्मल मतलब नटराज की पेन से भी शेड कर पाओगे एकदम अच्छे से। आपको पता है कि कहते हैं अलग अलग ग्रेडिंग की पेंसिल्स होती है, अगर आपके पास वो पेंसिल्स नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी आप कैसे एक नटराज की पेंसिल से भी शेडिंग अच्छे से कर पाओगे। और गाइस, अगर आपको नहीं पता है कि एक नटराज पेंसिल का ग्रेड क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि एक HB पेंसिल होती है, बहुत ही लाइट पेंसिल होती है। और गाइस, इससे अगर आप अपने ड्राइंग में शेड करोगे तो आपको एकदम अच्छे से ब्लेंडिंग के साथ एकदम क्लियर टच मिलने वाला है, एकदम क्लियर फिनिश मिलेगी, जिससे आपकी जो ड्राइंग होगी वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक होगी। और गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि अब मैं कैसे ड्रॉ करते टाइम अपनी शेडिंग करता हूँ और कैसे मैं अपने उसमें रियलिस्टिक शो कर पाता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वॉट में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, शेयर कर देना अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों में और अपने बिगिनर्स में। सो गाइज, मैं आ चुका हूँ अपने ड्राइंग टेबल पे, और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टोन स्टाक का ये आउटलाइनिंग ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, और ये मैंने लास्ट वीडियो में ड्रॉ करा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वो आप जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके लिए गाइज वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो उसे भी देख लेना इस वीडियो को देखने से पहले, ओके। तो गाइज, आज मैं आपको बता दूँ कि मैं कौन कौन से अपने टूल यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। नॉर्मली टूल है गाइज दो, ये छोटे छोटे एक रबड़ है, ठीक है, और ये कहते हैं मेकअप ब्रश है। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, इसीलिए इससे जो ब्लेंडिंग होती है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। बाकी आज हम यूज़ करेंगे अपने नॉर्मल एक HB नटराज पेंसिल, और गाइज आज मैं इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा। ये डार्क पेंसिल है, आपने मेरी नॉर्मली वीडियो में देखा होगा, तो आज मैं इसका बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा। बस मैं आज यूज़ करूँगा एक पेपर स्टम्प, और अगर यूज़ करना चाहे तो गाइज हम ये जेल पेन भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाइट जेल पेन है, आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। वैसे तो गाइज मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज़ लेनी चाहिए इन दो टूल में से, वाइट जेल पेन या फिर एक वाइट पेंसिल, ठीक है। अभी तो हम बात करने वाले अपने शेडिंग के बारे में, तो गाइज यहाँ पे जल्दी से वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइज हमने यहाँ पे जो ये आईज है वो यहाँ पे मैंने क्लियर ड्रॉ कर रखी है, और इसमें जो यहाँ पे हमारी जो आंखों में चमक होती है वो आपको ही पता है कि हर किसी के कहते हैं आँख में जो लाइट पड़ती है उसमें चमक आ जाती है। तो गाइज अभी मैं इसको कहते हैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए गाइज, मैं अभी इसी से बस शेड कर रहा हूँ, मतलब HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, पूरी वीडियो में HB पेंसिल यूज़ करूँगा। सो गाइज अभी मैंने इसमें नॉर्मली बस ये कहते हैं पेंसिल जो हमारी HB पेंसिल है उसका यूज़ करा है, और हमारी यहाँ पे आप इसमें आँख देख सकते हैं जो मैंने ड्रॉ करी है वो अभी थोड़ी सी अच्छी लग रही है। तो इसको ब्लेंड करने के लिए गाइज मैं यूज़ करूँगा पेपर स्टम्प का। गाइज अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं बिल्कुल भी कहते कोई भी प्रेशर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा, बस हल्के हाथ से करूँगा। और गाइज आपको ट्राई करने की जितना आप एक्यूरेट ड्रॉ कर सकते हो उतना एक्यूरेट ड्रॉ करें, और उसके लिए आपको गाइज प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी दोस्तों ड्राइंग ख़राब ना हो जाए इसलिए मैं यूज़ करूँगा एक नॉर्मल पेपर, तो गाइज आप ही यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी जो ड्राइंग है वो गंदी ना हो। तो अभी मैंने गाइज इसे ब्लेंड कर दिया, ठीक है, और जो हमारी आईज है वो ऐसी लग रही है। तो अभी मैं इसे जल्दी से कहते हैं आगे और मतलब डार्क कर देता हूँ, जो जो हमारा डार्क से डार्क एरिया है। आपको गाइज ऐसे शेड करना है कि कहते हैं जो आपकी ड्राइंग है वो थोड़ी रिलास्टिक भी लगे, तो आपको हल्के हाथ से शेड करना है गाइज, आपको प्रेशर का बिल्कुल अप्लाई नहीं करना जब आप शेड कर रहे हो, ठीक है। और जो आपका गाइज जो स्किन टेक्सचर है उसके हिसाब से गाइज आपको यहाँ पे शेड करनी है। वैसे तो मेरे पे अभी इसकी जो नॉर्मल फोटो जो उस दिन हमने ड्रॉ करी थी लास्ट वीडियो में वो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं अपनी तरफ से कहते इसमें थोड़ी सी शेडिंग कर रहा हूँ। गाइज मैंने जो भी आईज है और जो इसकी आईब्रो है सोनू स्टार की वो मैंने अभी डार्क कर दी थोड़ी सी, आप यहाँ पे देख लीजिए। बाकी मैं अभी गाइज ब्लेंडिंग कर रहा हूँ इससे, ठीक है, तो देख लीजिए। अभी मैं गाइज एक मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया वीडियो की ये मेकअप ब्रश है, आप कोई सा भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। मेकअप ब्रश बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं और इनसे जो शेडिंग होती है गाइज वो भी बहुत अच्छे से होती है। तो देख लीजिए गाइज कितने अच्छे से शेड हो रहा है, और गाइज अगर आप ऐसे ही कहते टिप्स फॉलो करेंगे तो जो आपकी ड्राइंग होगी वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। अभी गाइज मैं जल्दी से जो हमारी HB पेंसिल है उसको यहाँ पे पूरे फेस पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से बाद में दिखा सकूँ। Bye.
होप यू गाइस आप सभी को मेरा आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा बिकॉज गाइस आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि मैं कैसे शेड करता हूँ एक नॉर्मल नटराज पेंसिल से, ठीक है। और गाइस अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, अगर कोई भी पार्ट आपको हेल्पफुल लगा हो तो मेरे को आप कमेंट में बता सकते हो, और अगर आपको दोस्तों कोई भी ड्राइंग से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मेरे को शेयर कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके गाइस, उसके ऊपर मैं न्यू वीडियो जल्दी बनाऊंगा। और जो आपके डाउट्स है वो मैं चाहूंगा कि आपके डाउट्स मैं जल्दी से क्लियर कर दूं, ताकि आपके मन में कोई अपने ड्राइंग से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे, ठीक है। और जो आपकी ड्राइंग है वो गाइस मैं डेफिनेटली इंप्रूव करवा दूंगा। तो गाइस इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बाउट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ऐसी और न्यू टिप्स के लिए, ताकि आपकी जो ड्राइंग है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। और आई होप कि आपको आज का वीडियो सच में पसंद आया होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, घर में रहे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।